भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 88वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन करनाल स्थित किसान भवन में प्रदेश अध्यक्ष रतन मान की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर जिले भर से किसानों ने भाग लिया। किसान नेता स्वर्गीय टिकैत की जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। किसानों ने बाबा टिकैत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित किसानों को हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की कुर्बानी व उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी प्रेरणा हमेशा किसान आंदोलन को जीवित रखते रहेगी। इसलिए हम सब ने मिलकर भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे हमेशा अपने हकों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस हाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। आज हम करनाल के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का 88वां जन्म दिवस पर धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे देश प्रदेश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो यहाँ बाबा जी के चित्र पे पुष्प अर्पित करके नमन किया, यहाँ प्रसाद बनाया गया और यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी नेताओं ने, किसानों ने अपने विचार रखे और आज का दिन संकल्प दिवस के दिन रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है या मनाया गया है। मैं ये आह्वान करता हूँ सभी किसान मजदूर भाइयों से कि हमेशा हमेशा की तरह किसान आंदोलन के लिए डटे रहे। किसान आंदोलन है तो ये हमारा वर्ग समाज बचा रहेगा। यही माननीय राकेश टिकैत नरेश टिकैत जी का और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है युद्धवीर सहरावत जी का यही संदेश है कि मजबूती के साथ खड़े रहो और मजबूती से अपने आंदोलन करते रहो। आंदोलन चलेगा तो किसान मजदूर बचेगा। तो आप सबका पुनः सबकी ओर से बाबा जी को नमन करते हुए फिर से हम संकल्प दोहरा रहे हैं, ना कभी पीछे हटे हैं और ना ही हटेंगे। और उनके दिए मार्गदर्शन पर हमारा एक एक टिकैत का सिपाही हमेशा आंदोलन में डटा रहेगा। जय किसान।